कोई सरकारी जॉब करना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है। तो साथियों, आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, जिससे एक पुलिस कांस्टेबल बन पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत हार्ड प्रोसीजर होता है, बहुत हार्ड आपको वर्क करना होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम पुलिस कांस्टेबल। तो साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, फिर देखेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या फिजिकल रिक्रूटमेंट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सैलरी कितनी होती है। तो साथियों, हम जानेंगे पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और शुरू से अंत तक कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो साथियों, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमें 10th पास करना है या 12th पास करना है। तो साथियों, और ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें रिटेन एग्जाम के बेस पर पुलिस कांस्टेबल को भर्ती करना है या हमें मेरिट के आधार पर भर्ती करना है। तो मेरिट के आधार पर साथियों, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट निकालती है 10th पास, अगर 10th में मान लिया या गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपके 70% मार्क हैं, तो आपके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा और रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रनिंग का पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, आप 12th पास हैं, 12th पास वालों के लिए अगर भर्ती निकालती हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसमें भी मेरिट के आधार पर करते हैं, तो यही सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी रिटेन एग्जाम होता है, तो उसके लिए मैं आपको आगे अभी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं हम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो साथियों, चाहे मेरिट के आधार पर हो चाहे रिटेन एग्जाम हो, दोनों आधार पर एज लिमिट सेम रहती है। तो एज लिमिट साथियों 18 से 23 साल होती है। वहीं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है, जैसे आपको पता है सभी को आरक्षण मिलता है। ठीक है साथियों, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे फिजिकल रिक्रूटमेंट की। तो साथियों, फिजिकल रिक्रूटमेंट में आपका क्या होता है, हाइट मेजरमेंट की बात करते हैं। तो हाइट मेजरमेंट में आपकी हाइट मापी जाती है। ठीक है साथियों, तो सभी के लिए अलग अलग हाइट होती है, जैसे मेल के लिए जनरल की हाइट 168 cm, एससी एसटी ओबीसी की हाइट 160 cm, फीमेल के लिए जनरल की हाइट 160 cm, वहीं एससी एसटी ओबीसी की हाइट 157 cm हाइट होती है। ठीक है साथियों, अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप एलिजिबल हैं फिजिकल रिक्रूटमेंट में। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्रूटमेंट होता है चेस्ट मेजरमेंट। तो साथियों, चेस्ट मेजरमेंट आपका बिना फुलाए 80 cm होना चाहिए। क्या? बिना फुलाए 80 cm होना चाहिए। ठीक है, अगर फुलाएं तो उसके बाद होना चाहिए 85 cm ऑलमोस्ट। ठीक है साथियों, तो साथियों फिजिकल रिक्रूटमेंट आपका इतना होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन रिटेन। तो साथियों, आपको सिलेक्शन लेने के लिए 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आपका होगा रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट क्या होता है, जैसे हमने बताया अगर मेरिट के एग्जाम पे आपका नहीं हुआ भर्ती हुई तो आपका रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में आपको कभी 100 अंकों की होती है एग्जाम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटेन एग्जाम में। उस एग्जाम को जब आप पास कर लेते हैं उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग होगी, हाई जंप होंगी, लॉन्ग जंप होंगी, ये फिजिकल टेस्ट में होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद होता है 3 नंबर में, जब आप 2 प्रक्रियाएं प्रोसेस कर पास कर लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यू जितने आपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अगर पासिंग मार्क लगाया है तो उसकी चेकिंग होगी, आधार कार्ड, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे चेक किए जाते हैं। ठीक है साथियों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है आपकी नाक, गर्दन, आपके पैर, आपके हाथ, आपकी पूरा बॉडी चेकअप होता है। ठीक है साथियों, तो अगर आप चौथी प्रक्रिया को भी पास कर लेते हैं, क्या? अगर आप चौथी प्रक्रिया को भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी ट्रेनिंग होती है आपकी, क्या? आपकी ट्रेनिंग होती है और उसी के साथ आपको किसी थाने में ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है साथियों, कहीं पे ड्यूटी लगा दी, कहीं नहर चौराहे या कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है साथियों, ये वहां के इंचार्ज डिसाइड करते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं, जब आप चारों प्रोसेस पास लेते हैं, ट्रेनिंग भी हो जाती है, तो बात आती है सैलरी की।
क्योंकि सभी लोग सैलरी के लिए जॉब करते हैं, तो सैलरी क्या होती है? तो साथियों सैलरी 5200 से लगा के 20,000 रुपये 22,000 रुपये तक होती है, ठीक है साथियों। अब ग्रेड पे अलग मिलता है, प्लस और सुविधाएं भी मिलती हैं, तो एक कांस्टेबल की भी अच्छी खासी सैलरी होती है। अगर कांस्टेबल से आप प्रोनेट भी कर सकते हैं, आपका प्रमोशन भी होता है। तो साथियों सैलरी आपको स्टार्टिंग में कम मिलती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है, पेंशन भत्ते बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। कांस्टेबल सबसे कम पोस्ट, कम श्रेणी वाला है कांस्टेबल की पोस्ट, लेकिन आपको सुविधाएं भी अच्छी मिलती हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले